नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपका हाउस यूट्यूब चैनल। मैं करण स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। आज लेकर आए हैं आपके लिए सेक्टर 11 में अशोका इंक्लेव अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर का 3 बेडरूम 3 वॉश वाला फ्लैट। अच्छे साइज का फ्लैट हो जाता है, बड़े साइज का फ्लैट है। इसको करते हैं गोथ्रू बाद में, पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। सेक्टर 11 का लोकेशन, अशोका इंक्लेव अपार्टमेंट का लोकेशन इस तरीके का लोकेशन है जहाँ से आपका मार्केट, मेट्रो, स्कूल्स सब कुछ वॉकेबल रहने वाला है। मतलब हर चीज़ आपको जो भी नेसेसरी चाहिए रहता है वो सब आपका वॉकेबल रहने वाला है। मेट्रो तो जस्ट सोसाइटी के पीछे ही मिलता है आपको। सोसाइटी के सामने आपको बहुत बड़ा डीडीए का मेंटेन पार्क मिलने वाला है, मंदिर स्पेस, गुरुद्वारा स्पेस, आपको सेक्टर 10-11 की मार्केट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पास मिलने वाली है। तो चलिए वो करते स्टार्ट। तो चलिए ये हो जाता है दोस्तों आपका फ्लैट का एंट्रेंस। इस तरीके से आप एंटर करेंगे, दिस इज योर एल शेप में लिविंग लर्निंग स्पेस मिलता है आपको। अगर मैं आपको लेआउट समझा देता हूँ तो जैसे आप एंटर करते हैं, पहला कॉमन वॉशरूम स्पेस मिलता है एक तरफ, सेकंड बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम, किचन स्पेस, लिविंग लर्निंग स्पेस, एक बड़ी बालकनी मिलती है आपको सामने। तो ये हो जाता है सोसाइटी पर्टिकुलर फ्लैट का लेआउट। बात कर लेते हैं सोसाइटी की दोस्तों। सोसाइटी में आपको बेसमेंट पार्किंग मिलता है, कवर्ड पार्किंग मिलता है, ऑलमोस्ट इसमें 3 बेडरूम 4 बेडरूम 5 बेडरूम सभी सेगमेंट्स मिलने वाले हैं। सोसाइटी में आपका FIR डन हो चुका है, सोसाइटी का वेल मेंटेन सोसाइटी होने वाली है आपकी। नाउ वी कम टू द फ्लैट स्पेस। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर मिलता है आपको एक कॉमन वॉशरूम एरिया। ये आपका कॉमन वॉशरूम एरिया आता है। इस तरीके का साइज है, कुछ साइज देख सकते हैं आप, इस तरीके का साइज है। कलर कंट्रास्ट आइलिंग का कुछ इस तरीके से जगह फिटिंग, ऑल द फिटिंग्स आपको मिल जाती है। ये आपका रहता है कॉमन वॉशरूम एरिया। ये आपका एंट्रेंस है, जैसे आप एंट्रेंस एंटर करेंगे दैट्स योर लिविंग लर्निंग स्पेस। इस तरीके से आपको लिविंग लर्निंग स्पेस मिलता है जो कि आपको एल शेप में मिलने वाला है। लिविंग स्पेस ये है आपका, डाइनिंग स्पेस यहाँ पर मिलता है आपको, सामने आपका किचन स्पेस मिल जाता है। बात कर लेते हैं लिविंग स्पेस की, अच्छा अच्छे साइज में आपको लिविंग स्पेस मिलता है तो मिल जाता है आपको। फॉल सीलिंग का काम, स्टेनलेस का काम मिलने वाला है। यहाँ पर आपको टीवी कैबिनेट मिल जाता है व्हाइट एंड वुड कलर में, ऑलवेज गोथ्रू कलर हैं ये वाले जो कलर्स रहते हैं आपके। नाउ वी कम टू द डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस में आपको वॉल डिजाइनिंग मिलती है, वेंटिलेशन स्पेस मिलता है, ऊपर देखेंगे फॉल सीलिंग का फुट वर्क का काम किया गया है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। नाउ वी कम टू द किचन स्पेस एरिया। ये आपको किचन स्पेस एरिया कुछ इस तरीके का मिल जाता है, अच्छा बड़ा किचन स्पेस है, ओपन किचन स्पेस का कॉन्सेप्ट है प्रॉपर। चिमनी होब, OTG प्लेटफॉर्म्स, आपके फ्रूट बास्केट, ओवरहेड काफ़ी बड़ा स्टोरेज है, नीचे काफ़ी बड़ा स्टोरेज मिल जाता है आपको। इस तरफ मिल जाता है इसमें आपको पेंट्री स्पेस जो कि कुछ इस तरीके का होता है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका किचन स्पेस, प्रॉपरली फुली लोडेड किचन मिलने वाला है आपको। कलर कंट्रास्ट व्हाइट एंड ग्रीन, ग्रीनिश लाइट कलर का जो कलर कंट्रास्ट है बहुत खूबसूरत लग रहा है, आपके किचन स्पेस को बहुत अच्छा एनहेंस कर रहा है। नाउ वी कम टू द फर्स्ट बेडरूम एरिया जो कि आपका मास्टर बेडरूम एरिया आप बोल सकते हैं। ये आपका मास्टर बेडरूम एरिया मिलता है आपको। साइज ऑलमोस्ट 12x13x14 के आसपास का साइज मिलने वाला है। 3 डोर आपको कवर स्पेस मिलते हैं, ऊपर फॉल सीलिंग का काम, नीचे वर्टिकल टाइलिंग का काम मिलता है। यहाँ पर आता है इसका अटैच वॉशरूम जो कि आपको कुछ इस तरीके के साइज के साथ मिलता है, सेपरेट किया गया है विद द मिरर। इधर आपको शावर एरिया मिलता है, वेंटिलेशन मिलता है, दैट्स योर WBC स्टोरेज, ऑल द थिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, फिटिंग सारी आपको जैगुआर कंपनी की इसमें मिलने वाली है। यहाँ पर मिलता है आपको एक बालकनी स्पेस जो कि आपका कुछ इस तरीके का बालकनी स्पेस मिलने वाला है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मिलता है आपको चिल्ड्रन प्लेइंग स्पेस जो कि आपको कुछ इस तरीके का है। इसके नीचे आपको बेसमेंट स्पेस मिलता है जिसमें आपकी पार्किंग स्पेस रहता है। नाउ वी कम टू द अदर बेडरूम एरिया। इधर देखेंगे कलर कंट्रास्ट स्टाइलिंग का बहुत अच्छा किया गया है। अब आते हैं हम अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। यहाँ जाते हैं दोस्तों अपना सेकेंड बेडरूम जो कि आपका एंट्रेंस पे पहला बेडरूम पड़ता है। बेडरूम साइज ऑलमोस्ट 11x12 के आसपास का साइज मिलने वाला है। वेंटिलेशन मिल जाता है आपको इधर। यहाँ पर मिलता है आपको 2 डोर कवर स्पेस जो कि कुछ इस तरीके का साइज है, सेपरेशन अच्छा किया गया है। साइज ऊपर देख सकते हैं आपको मिलता है कुछ इस तरीके का काम, फॉल सीलिंग का काम बहुत बढ़िया किया गया है। यहाँ पर मिलता है आपको वॉल डिजाइनिंग का काम। ये हो जाता है आपका सेकंड बेडरूम एरिया। नाउ वी कम टू द लास्ट बेडरूम स्पेस और एक बड़ी बालकनी करते हैं। यहाँ पर आप आएंगे दोस्तों, यहाँ मिलती है एक बड़ी बालकनी एरिया जो कि कुछ आपको इस तरीके से आपको देखती है। ये कुछ आपको सोसाइटी का व्यू मिलता है आपको, कुछ इस तरीके का आपको सोसाइटी का व्यू है। नाउ वी कम टू द लास्ट बेडरूम एरिया। ये आपको लास्ट बेडरूम एरिया मिलता है, इस तरीके का साइज है, साइज बहुत बेहतरीन मिलने वाला है।
ऑलमोस्ट 12 बाई 14 के आसपास का साइज मिलता है, जो कि अच्छा बड़ा साइज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अटैच वॉशरूम मिलता है इसमें, साथ साथ इसमें मिलता है आपको 3 डोर कवर्ड स्पेस, जो कि कुछ आपको इस तरीके का मिलने वाला है। देख सकते हैं साइज अच्छा है, सेपरेशन अच्छा किया गया है, काम बहुत बढ़िया का मिलता है आपको। सनमाइका का काम बहुत अच्छा है, यहाँ पे मिलता है इसका अटैच वॉशरूम एरिया, जो कि कुछ इस तरीके से काम किया गया है। बाथिंग सेपरेट है, जगुआ कंपनी की फिटिंग है सारा का सारा, ऑल द थिंग्स आपको अच्छा कलर के टास्क में टाइलिंग का काम इसमें आपको मिलने वाला है। ये हो जाता है दोस्तों आपका फ्लैट कंप्लीट, 3 बेडरूम 3 वॉशरूम का फ्लैट है, ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट मिल जाता है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके घर में बुजुर्ग लोग हैं, तो ग्राउंड फ्लोर वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये हो जाता है फ्लैट आपका कंप्लीट, अशोका अपार्टमेंट, अशोका इनक्लेव अपार्टमेंट सेक्टर 11, 2 करोड़ 31 लाख रुपये डिमांड है, 2.31 CR का डिमांड है, विच इज़ नेगोशिएबल। आप आइए, पसंद कीजिए, बहुत अच्छी डिलीवरी की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।